अभी आपको बोला जाए कि भैया ऊंचा बनिए चौरंग पार सब लेकर के आइए, तो आप क्या बोलेंगे पंडित जी रहने तो पूजन नहीं करना भैया, सही बात है कि नहीं, गलत कह रहा हूँ। अब आ ही रहे हैं 200 किलोमीटर दूर से, तो यहाँ आदमी की बैठने की जगह नहीं है और चौरंग पार का घर रखेंगे, सही है ना। तो इसलिए पंडित जी को आपने बोला पंडित जी जो भी आपकी व्यवस्था वो सब कर लीजिए, सामग्री जो दक्षिणा होगी वो मैं आपके दे दूंगा, ठीक है। तो शास्त्र कहता है कि सामग्री आप तो प्रक्षोपा, ठीक है, जब तक आप अपनी सामग्री में पूजा नहीं करते हैं तो उस पूजा में कोई अर्थ नहीं निकलता, ठीक है ना। अभी ये गुरु जी की सामग्री है, किसकी सामग्री है, जब आप दक्षिणा प्रदान करेंगे तो ये सामग्री आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद इस पूजा को करेंगे, पूजा को करने के बाद जो है तो उसको गुरु जी को ही दान कर देते हैं, जो आप सामग्री घर में रहते हैं तो वो सामग्री गुरु जी को दान करते हैं ना। तो इसीलिए गुरु जी के पास जो सामग्री अवेलेबल है जो आपकी पूजा के योग्य है, और अभी कुछ सामग्री ऐसी है कि जो है ही नहीं, क्या तो जो इतने सारे दोष आपके निकले हैं।